ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मुंब्रा के सोनाजी नगर में अवैध रूप से चल रहे सर्विस सेंटर पर आज TMC के कर्मचारी अमित गडकरी और जितेंद्र साबले ने मर्चेंट सर्विस सेंटर पर कार्रवाई कर दो मोटर जब्त कर लिया है और इस सर्विस सेंटर चलाने वाले दो लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। खंडवली की भातसा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से खलबली मच गई है। टिटवाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। व्यक्ति की उम्र लगभग 40 से 42 वर्ष बताई जा रही है। व्यक्ति के एक हाथ पर जय भीम भी लिखा हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि नहाने के दौरान गहराई में जाने की वजह से डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन मार्केट में चोरी की घटना सामने आई है। मोहम्मद शाद भी मित्तल में पैंट शर्ट का धंधा लगाते हैं, मगर आज सुबह 70,000 का माल चोरी हो गया। मोहम्मद शाद शहरी के वक्त दुकान से किसी काम से कुछ देर के लिए चले गए थे, मगर जब वापस आए तो माल गायब था। इसके दो दिन पहले ही इसी तरह मोहसिन अंसारी की मोबाइल भी चोरी हो गई थी। 6-15 के बीच में मेरा माल चोरी हुआ, 70-80 हज़ार रुपये का मेरा माल चोरी हुआ है। हमारे कबरेज भाई ने देखे थे पीछे तीन बंदों को देखे। एक लड़का ये दुकान से शर्ट लेके जा रहा था, भाग रहा था, तो हमारे तबरेज भाई ने एक शर्ट पकड़ लिया, उसके शर्ट दिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे को इरशाद भाई ने भेजे। अब वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने सही, वो लड़के ने सही बोला कि गलत बोला, वो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद वो देखे, दोनों की शक्ल देखे, फिर ये हमारा 6-15 के बीच में हमारा 70-80 हज़ार रुपये का माल चोरी हुआ। उसके बाद फिर इरशाद भाई ने एक बंदे को पकड़ के लाए, उसमें से हमारे बंदे को बताए, तो वो बोला हाँ ये एक बंदा था। वो बंदा आया, इरशाद भाई मैं पुलिस चौकी में गया, एनसी नहीं ली गई, और हम दो ऑफिसर आए साथ में और देखे, तो उन्होंने कहा कि इरशाद भाई के हाथ में हम छोड़ते हैं, इरशाद भाई आप कोऑपरेट करो, आपसे नहीं होता तो फिर हमको बोलो। मेरा मोबाइल चोरी हुआ। कितने का? 500 रुपये चोरी हुए। 10,000 रुपये का था, 8-10 हज़ार का मोबाइल था मेरा आईफोन का। ये दुर्घटनाएं कितने बजे हुई? ये बराबर 6:15 में हो रही है, क्योंकि मैं 6 बजे तक मैं जागे रहता हूँ रोज डेली, और आज तो मैं 12 बजे तक जागा था, 11 बजे तक। अच्छा, कल हुआ मेरा? दो दिन पहले हुआ मेरा। आपका दो दिन पहले हुआ? फिर उसके बाद एक पहले लोग का यहाँ से चप्पल उप्पल चोरी हुई, बर्तन चोरी हुए पहले यही टाइम पे सब लोग के, फिर लिपस्टिक का बॉक्स चोरी हो रहा है, ऐसा यहाँ से चोरी होते गया धीरे धीरे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेस्ट एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ने आज सुबह अपनी आखिरी सांस ली है। वीरू देवगन पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के सांता क्रूज के अस्पताल में भर्ती थे। वीरू देवगन की कार्डिक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। वीरू देवगन दिलवाले, हिम्मत वाला, शहंशाह जैसी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते थे। मुंबई पुणे हाईवे के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। कपोली घाट के पास से गुजर रही बस अचानक रास्ते की रेलिंग तोड़ते हुए खाई में लटक गई, जिसमें सवार 35 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।